रूसी हमले की शुरुआत के करीब एक साल बाद संघर्ष और तेज होने के आसार हैं। इस बीच खबरें हैं कि रूसी बलों को पीछे हटने में मदद करने के लिए कीव को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की संभावना यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों की एकता को जोखिम में डाल सकती है। तुर्की और सीरिया में पिछले हफ्ते आए भूकंप के 11 दिन बाद भी मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने तुर्की के लोगों के लिए $1 अरब जुटाने के लिए मानवीय अपील की है। इस बीच तुर्की पुलिस ने सोशल मीडिया पर भूकंप के बारे में भड़काऊ पोस्ट साझा कर डर और दहशत पैदा करने के आरोप में 78 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा में दो मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जुनैद और नसीर की बुलेरो को टक्कर मारकर पकड़ा था। इसके बाद अधमरी हालत में उन्हें बजरंग दल के लोगों को सौंप दिया। इन्होंने गो तस्करी के शक में दोनों को बुलेरो समेत जिंदा जला दिया। भिवानी के लोहारू गांव में नजदीक बुधवार को इनकी बॉडी मिली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेरिका के बिलियनियर कारोबारी जॉर्ज सोरोस के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान को विदेशी साजिश बताया है। इस बयान पर स्मृति ने कहा कि विदेशी धरती से भारत को लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है या भारत की डेमोक्रेसी में दखल देने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिंदे गुट विवाद पर फैसला 21 फरवरी तक टाल दिया है। बेंच ने कहा नवाम रेविया के सिद्धांत इस मामले में लागू होते हैं या नहीं, केस को 7 जजों की बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं, ये मौजूदा केस के गुण दोष के आधार पर तय किया जा सकता है। इसे मंगलवार को सुनेंगे। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले के कटरा बेल्ट में शुक्रवार को 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने बताया कि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 5 बजे आया। भूकंप का केंद्र कटरा से 97 किलोमीटर पूर्व में 10 किलोमीटर की गहराई में था। अडानी ग्रुप हिडनबर्ग मामले में दायर याचिकाओं पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट को सुझाव पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी। कमेटी यह देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 150 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 156 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 129 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 67,82,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 67,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। पाकिस्तान में महंगाई के बीच सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। लाहौर से खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल उनके घर के बाहर जमा है। इमरान की गिरफ्तारी की खबरें मिलते ही उनके समर्थक भी लाहौर के जमन पार्क स्थित घर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे वहां तनाव की स्थिति बन गई है।